अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं मटन कोरमा। मटन कोरमा बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है, मटन लिया 1 किलो, दही लिया 1 पाव, इसको मैंने फेंट लिया है, ऑयल लेंगे 1/2 कप, प्याज लिया 1 लार्ज साइज का जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस में काट के फ्राई करके चूरा कर लिया है, अदरक लहसुन पेस्ट लेंगे 2 टेबल स्पून, नमक लेंगे 1 टी स्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर लेंगे 1 टी स्पून। नमक और मिर्च आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून, जीरा पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, सब्ज इलायची लेंगे 6, केवड़ा एसेंस लेंगे 1 टीस्पून, पानी लेंगे हम हसबे जरूरत। मटन कोरमा बनाने के लिए हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, मीडियम फ्लेम मैंने ऑन कर लिया। इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले ऑयल और ऑयल को हम गरम कर लेंगे। ऑयल हल्का सा गर्म हो गया, इसमें ऐड करेंगे हरी इलायची और इसको 30 से 40 सेकंड हम फ्राई होने देंगे कि इसकी खुशबू आ जाए। अब इसमें ऐड करेंगे मटन और इसे 3 से 4 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। इसको मैंने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट और इसे मजीद हम 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन पेस्ट डाल के मैंने इसे फ्राई कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे नमक, सुर्ख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, 1/2 गरम मसाला पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे दही, मिक्स करेंगे, दही डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे पानी, मिक्स करेंगे। अब हम इसे कवर कर देंगे और कवर करके हम 15 मिनट का प्रेशर देंगे। 15 मिनट के बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टीम निकलने पे कवर खोल देंगे। स्टीम निकलने पे कवर मैंने खोल दिया। अब इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर, साथ ही इसमें ऐड कर देंगे फ्राई प्याज जो हमने चूरा की थी, मिक्स करेंगे। अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसे कवर करके हम 5 मिनट दम पे रख देंगे। दम पे रखे हुए 5 मिनट हो गए, कवर मैंने खोल दिया। अब इसमें ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस, मिक्स करेंगे। इसको मैंने मिक्स कर लिया। मटन कोरमा हमारा तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट करेंगे। मटन कोरमा हमारा तैयार है। अगर आप इसकी पिक्चर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। अगर आपको ये मटन कोरमा की रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। अल्लाह हाफिज़।